बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पीएसकेबी एडमिशन चैनल के नाज़रीन। आज की इस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट बात बताने वाले हैं एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और स्कूल्स की ओपनिंग के मतलब। क्या बोर्ड एग्ज़ाम्स में एमसीक्यूज होंगे या नहीं, लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के बटन को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है लाइव प्रूफ के साथ उसे शेयर किया जाता है, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। शुरू कर लेते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको छुट्टियों के मतलब इन्फॉर्मेशन दे दूं कि कहा जा रहा है कि 1 जनवरी से तमाम तलीमी अदारे खोल दिए जाएंगे। पाकिस्तानी जो प्राइवेट स्कूल्स के चेयरमैन हैं उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम जो 1 जनवरी से तमाम तलीमी अदारे खोल रहे हैं क्योंकि जो बिल्डिंग की किराया है स्कूल्स का वगैरह उनका भी मसला उनका चल रहा है। तो इस पर कॉन्फ्रेंस जो लाइव कॉन्फ्रेंस की थी मुराद रास ने, उसमें उन्होंने कहा कि 30 दिसंबर की मीटिंग में हम ये 4 निकाती एजेंडा जो है वो हम शामिल करेंगे, उसकी तजवीज़ जो हम पेश करेंगे स्कूल्स की ओपनिंग के मतलब वो 30 दिसंबर की मीटिंग में उन्होंने डिसाइड करना है। इसके अलावा एग्ज़ामिनेशन के मतलब आप जो स्टूडेंट्स हैं उनके क्वेश्चन आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं स्टूडेंट्स के एग्ज़ामिनेशन में MCQs होंगे या नहीं, इसके मतलब भी हमें कोई अपडेट दें। तो ऑलरेडी वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि स्टूडेंट्स आपके जो एग्ज़ाम्स हैं इस वक्त वो स्मार्ट सिलेबस को फॉलो करके बनाए जाएंगे। और देखें स्मार्ट सिलेबस 9th का 10th का इसके अलावा जो 11th और 12th क्लास के कुछ टॉपिक का जो स्मार्ट सिलेबस उन्होंने जारी किया गया था, अभी उन्होंने कहा कि जो 8th तक के क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं अगर सूरत हाल इसी तरह से रहती है तो हम इनके जो है प्रमोशन कर देंगे। 8th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं 1 से लेकर 8 तक इनकी प्रमोशन मुमकिन है, लेकिन इनके भी एग्ज़ाम्स उम्मीद हैं कि होंगे। दूसरी तरफ बात करते हैं कि क्या बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रमोशन होगी, तो वो बिल्कुल नहीं होगी। एग्ज़ाम्स आपका स्मार्ट सिलेबस से बनेगा। अभी ये कन्फर्म नहीं है कि आपका जो एग्ज़ाम्स है वो MCQ बेस होता है या फिर जो सब्जेक्टिव पार्ट भी उसमें शामिल किया जाएगा। तो इसके मतलब जो उस दिन कॉन्फ्रेंस हुई थी मुराद रास ने की थी, उसके बाद शफकत महमूद ने भी कहा था कि अभी जो 30 दिसंबर की मीटिंग होने जा रही है तमाम वज़रा कलीम उस मीटिंग के अंदर शामिल होंगे, एक पॉलिसी को फाइनलाइज किया जाएगा, या तो आपके सब्जेक्टिव पार्ट हो अगर हुए फाइनलाइज मीटिंग हुई जिसमें सब्जेक्टिव पार्ट अगर उन्होंने डिसाइड किया कि होना है तो फिर लाजमी होना है, अगर नहीं होना तो फिर आपके जो पेपर्स हैं सब्जेक्टिव पार्ट नहीं होगा, MCQ बेस ही लिए जाएंगे। तो इसका मतलब जो मीटिंग कंडक्ट होने जा रही है शफकत महमूद उसकी जो सदारत करेंगे लाइव वीडियो कॉलिंग के साथ, और 30 दिसंबर को मीटिंग है, उसका मतलब नोटिफिकेशन मैं आपके साथ इस चैनल पर शेयर कर दूँगा। कोई क्वेश्चन है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक और शेयर करें।